कर सत्ता लो लूं भोग चुके हैं। सही या गलत, प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो, एक सेकंड आचार्य, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, एक गलत बात है। गौरव मैं आपको मौका दे रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया ने भी ऑब्जेक्शन दिखाया है, और आचार्य जी आपके कहते हैं इस बात पे, बोलिए। इंडिया अलायंस के पार्टनर है। नहीं, मैं विवेक जी की भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। विवेक जी को स्वामी दीपांकर जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और विवेक जी जो कह रहे हैं कि फ्रॉडगिरी ना करें, तो विवेक जी आप ये बताएं कि आपकी दृष्टि में कौन संत फ्रॉड है भाई? संतों को फ्रॉड नहीं कहना चाहिए आपको। नहीं, अब माना कि आप दीपांकर जी की बात से सहमत हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप सुने, आचार्य प्रमोद कृष्णन अयोध्या जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी के नेताओं के लिए खड़े हैं, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल हो। ये एक अच्छी बात है जो देख रहा हूं मैं यहाँ। और दूसरी तरफ आचार्य दीपांकर हैं, जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो आप शंकराचार्य जी के बारे में बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते आचार्य जी? आप क्यों नहीं खड़े शंकराचार्य जी के? स्वामी दीपांकर, मैं आपको मौका दूंगा। स्वामी दीपांकर, जब आप बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं, स्वामी दीपांकर, बेसिक सत्ता लो लो भोग चुके हैं आचार्य दीपांकर। एक सेकेंड, अब आपने बोल दिया, विवेक जी शांत रहिए। स्वामी दीपांकर का कसूर सिर्फ इतना है कि वो पिछले 413 दिनों से 57 लाख हिंदुओं को एक कर चुका है। स्वामी दीपांकर का कसूर सिर्फ इतना है कि स्वामी दीपांकर जातियों में विभक्त समाज को जोड़ रहा है। स्वामी दीपांकर का कसूर इतना है कि वो भगवा पहने हुए है। और स्वामी दीपांकर का कसूर यह है कि वो विवेक भाई की तरह अमर्यादित नहीं है। वरना एक ही शब्द तो बोलना है, विवेक भाई की लाइन में हम भी खड़े हो जाएंगे, पर वो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं राम को मानता हूं और राम कभी अमर्यादित नहीं थे। इसीलिए एक शब्द कहूंगा कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। और भगवा केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है, इसे पहनकर जिंदा रहना विवेक बाबू सबसे बड़ी परीक्षा है। मगर फिर भी आपकी तरह अमर्यादित नहीं, राम पे आपका कॉपीराइट है ना भगवा पे? संदेह ना राम पे कॉपीराइट है आपका, ना भगवा पे। इस कॉपीराइट को छोड़ दीजिए, आपने तो शंकराचार्य तक के लिए कुछ नहीं बोला। अपना आपको बोलना चाहिए था, और मैं चाहता था आप बोले कुछ उनके लिए, उनकी तरफ से बोले। तो आप नहीं बोले, हमने कौन सा बोला? एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं बोले हैं अमीश, आज आप नरेंद्र मोदी के लिए बोले हैं, मुझे बोल, आज आप धर्म के लिए नहीं बोले, स्वामी दीपांकर से है, शंकराचार्य नहीं बोले, आप धर्म के लिए हैं, सत्ता के लिए बोले, आपकी प्रॉब्लम ताकतों के लिए बोले, जिनके हाथ में सत्ता है। एक सेकंड, जी, मैं एक बात कह दूं अमीश बाबू, आज आचार्य दीपांकर, विवेक आपको ऑडियो के डाउन करना पड़ा है, अब आप लगातार बोल रहे हैं ये गलत है। ओके, एक सेकंड, स्वामी दीपांकर, मैं आपका रुक करूंगा, लेकिन एक सेकंड स्वामी दीपांकर, आचार्य जी आप होल्ड करिए, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं, आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं मैं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया, स्वामी दीपांकर जी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हो, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं हर भारतीय की तरफ से कि ये कह देना कि फ्रॉड है। आप तय करेंगे कि कौन फ्रॉड है कौन नहीं है, हैं? स्वामी दीपांकर जी हो या आचार्य जी हो, मेरे विरोधी है आचार्य जी, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा वो फ्रॉड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो भगवान राम की सीख है उसको धारण किया है। और ये विचारधारा की लड़ाई क्या है अमीर जी, मैं बात पूरी कर लूं। आपको मालूम है एक लीडर था माओ जिडोंग, ये कम्युनिस्ट लीडर था, इसने कहा था पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, राजनीतिक शक्ति बढ़ती है जैसे जैसे असला चलाया जाता है, यही तो लड़ाई है। मैंने कोठारी ब्रदर्स की बात अभी आपको बताई ना, वो गोली चली, उन्होंने खाई सीने पे, गिरते हुए कहा हे राम, राम लिखा और मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। जी, सोच है ताकत बढ़ती है गोली चलाने से। गौरव समय सीमा है। आचार्य जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन सत्यप्रकाश सर 30 सेकंड। धन्यवाद। मैं किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि किसी पर आप कैरेक्टर का लांछन लगाएं कि कौन फ्रॉड है। आप समझिए, भारतीय लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी भूमिका और अपनी अपनी अभिव्यक्ति है।
मुझे भी ये आश्चर्य हुआ था कि जगत गुरु शंकराचार्य जो चारों पीठों के हैं वो वहां नहीं जा रहे, इस बात पे बेहद आश्चर्य है। मैं जवाब दे रहा हूं आचार्य जी इस बात का जवाब, ये बार बार एक ही रोना रुआ जा रहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका, तो आप एक सेकंड आचार्य जी आपसे बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए? देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो टिप्पणी है, जो उनका वक्तव्य है, उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। जब समय आएगा तो उस पर मैं टिप्पणी करूँगा। अभी मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी ने ये कहाँ कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप भी मत जाइए? शंकराचार्य जी ने ये कहा है मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये विधि विधान का विषय है, ये कर्मकांड का विषय है, ये शास्त्र का विषय है। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो कहा है उन्होंने अपने लिए कहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसमें कोई राजनीतिक दल, तो ये विपक्ष, ये विपक्ष आत्महत्या, प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष ना जाकर ये पॉलिटिकल सुसाइड, पॉलिटिकल आत्महत्या क्यों कर रहा है आचार्य जी? 10 सेकंड इस पे भी कुछ बोलिए। ये तो 2024 का चुनाव, ये तो 2024 का जब चुनाव होगा, 2024 के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वालों ने गलती की या ना जाने वालों ने गलती की। तो इसका देश देख रहा है, जनता करेगी जी, लेकिन आप